नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं खुशबू साहू। हमारे पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, सराहना दी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हम ध्यान में ज़रूर रखेंगे। अभी पूरा विश्व COVID-19 महामारी संकट से जूझ रहा है और इससे बस्तर भी अछूता नहीं रहा है। फिर भी 600 वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन बस्तर में इस वर्ष भी किया गया और बस्तर के दशहरे के पर्व को कुछ सावधानियों को बरतते हुए धूमधाम से मनाया गया। लेकिन इस बार बस्तर के दशहरे में आम जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और भक्तों की सुविधा के लिए इसका लाइव प्रसारण किया गया। जहाँ एक ओर पूरे भारतवर्ष में दशहरे के पर्व को विजय प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर रावण दहन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बस्तर में इस पर्व को विजय प्रतीक के रूप में तो मनाया जाता है लेकिन इस अवसर पर रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि इस अवसर पर महिषासुर मर्दिनी स्वरूप देवी दंतेश्वरी और अन्य स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लोक मान्यता अनुसार इस पर्व में शामिल होने के लिए चरामा से लेकर बीजापुर तक असंख्य देवी देवता आते हैं। देवी दंतेश्वरी का शक्तिपीठ जगदलपुर मुख्यालय से 86 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत तराला ग्राम में स्थित है। ऐसी लोक मान्यता है कि 52 शक्तिपीठों में से एक इस स्थान पर देवी सती का दांत गिरा था और इसलिए यहाँ देवी दंतेश्वरी के शक्तिपीठ की स्थापना की गई। इस मंदिर की स्थापना 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव ने की थी। दंतेवाड़ा के अतिरिक्त देवी दंतेश्वरी का मंदिर बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर और बड़े डोंगरगढ़ में भी स्थित है। 17वीं शताब्दी तक बड़े डोंगरगढ़ में बस्तर के दशहरे पर्व का आयोजन किया जाता था, लेकिन 17वीं शताब्दी में दलपत देव ने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित की और उसके बाद से बस्तर के दशहरे के पर्व को जगदलपुर में मनाया जाने लगा। इस प्रकार से इस अनोखे और भक्तिमय पर्व को बस्तरवासियों के द्वारा सावन अमावस्या से लेकर पूरे 75 दिनों तक मनाया जाता है और ये पर्व भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा चलने वाला पर्व है। इस पर्व में विशेष रूप से रथ का परिचालन किया जाता है, जिसकी शुरुआत रियासत काल में बस्तर के काकतीय वंश के चौथे शासक पुरुषोत्तम देव ने की थी। ऐसी लोक मान्यता है कि लगभग 1408 ईस्वी में राजा पुरुषोत्तम देव ने ग्राम के प्रमुख लोग और सामंतों के साथ जगन्नाथपुरी की पद यात्रा की थी। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और रत्न आभूषण भेंट स्वरूप अर्पित की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आए और उन्होंने पुजारी को पुरुषोत्तम देव को 16 पहिए वाले रथ को प्रदान करने का आदेश दिया। पुजारी ने ऐसा किया भी। उन्होंने राजा पुरुषोत्तम देव को 16 पहिए वाला रथ भेंट स्वरूप अर्पित किया और उन्हें रथपति की उपाधि से विभूषित किया। राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी के विग्रहों को लेकर और रथ में बैठकर बस्तर वापस लौटे। बस्तर लौटते ही उन्होंने इनके विग्रहों को जगदलपुर में स्थापित किया और इन 16 पहियों में से 4 पहिए वाले रथ को भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया और 12 पहिए वाले रथ को देवी दंतेश्वरी को अर्पित किया। और तब से लेकर आज तक बस्तर के दशहरे के अवसर पर और गोंचा पर्व के अवसर पर रथ का परिचालन किया जाता है। इस पर्व के आयोजन में राज परिवार, मंदिर समिति, दशहरा समिति और जिला स्तर के अधिकारियों की मुख्य भूमिका होती है। इस पर्व का सबसे पहला विधान है पाट यात्रा। बस्तर के दशहरे का विधिवत प्रारंभ सावन अमावस्या के दिन पाट यात्रा की रस्म से होता है। इस दिन रथ निर्माण के लिए बिलौरी या माझकोट के वन से साल वृक्ष की लकड़ी के लट्ठे को लाया जाता है और जगदलपुर में राज परिसर के अंतर्गत स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष इस लकड़ी के लट्ठे की और औजारों की पूजा की जाती है। इस प्रथम लकड़ी के पट को तुलरू खोटला कहा जाता है, जिससे रथ का निर्माण होना है। रथ के निर्माण के लिए रथ के पहिए को तिनसा की लकड़ी से बनाया जाता है और उसके बाकी के हिस्से को साल की लकड़ी से बनाया जाता है। इस प्रकार से पाट यात्रा रस्म से दशहरे का पर्व प्रारंभ होता है। बस्तर के दशहरे का दूसरा रस्म है डेरी गड़ाई।
भादव शुक्ल द्वादश या 13 को बोरिंगपाल ग्राम के निवासी लगभग 10 फीट ऊंचाई के साल वृक्ष की दो डेरियों को सिरहासार भवन के समक्ष लाते हैं और वहां 15 से 20 फीट की दूरी पर उन दोनों डेरियों को गड्ढा करके वहां पर उसे गाड़ते हैं और विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इन गड्ढों पर मूंगरी मछली अंडा और लाई को डालकर डेरियों को स्थापित किया जाता है। स्तंभ रोहण के बाद निर्धारित ग्रामों से कारीगर रथ निर्माण के लिए आते हैं। वो सिरहासार भवन में रुककर रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार से रथ के विभिन्न हिस्सों के निर्माण का कार्य अलग अलग ग्राम के लोगों के द्वारा किया जाता है। बस्तर के दशहरे का तीसरा रस्म है काछिन गादी। काछिन गादी अर्थात काछिन देवी को गद्दी देना। रड़ की देवी काछिन बस्तर के मिर्गानों की, तिकड़ा जाति की और चंडार जाति के लोगों की कुल देवी है। ये उनके पशुधन की और अन्न धन की रक्षा करती है। अश्विन अमावस्या के दिन राज परिवार और बाकी सदस्य के लोग गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाल कर पथरागुड़ा स्थित काछिन गुड़ी परिसर में पहुँचते हैं। ऐसी लोग मान्यता है कि प्रति वर्ष सिरहा के आह्वान पर काछिन देवी एक माहरा जाति की नाबालिग बालिका पर आरूढ़ होती है और इस नाबालिग कन्या को कांटों के झूले पर सुलाकर झुलाया जाता है और उनसे दशहरा निर्विघ्न संपन्न कराने की मांग की जाती है और फिर काछिन देवी की स्वीकृति सूचक प्रसाद मिलने के पश्चात दशहरे का पर्व यहाँ धूमधाम से प्रारंभ हो जाता है। इस रस्म के पश्चात संध्या के समय गोल बाजार के समीप राजकुमारी रैला देवी का श्राद्ध कर्म किया जाता है अर्थात रैला पूजा का विधान किया जाता है। अब आता है नवरात्रि का पहला दिन। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन देवी दुर्गा के शक्ति स्वरूपों के विभिन्न मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना की जाती है और इस दिन बस्तर के बड़े आमापाल ग्राम के जोगी परिवार का वंशज मावली माता के मंदिर में जाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनसे खांडा अर्थात तलवार प्राप्त करके वो सिरहासार भवन में एक आदमी के समायत के लायक बने गड्ढे पर उस तलवार को लेकर देवी दंतेश्वरी के प्रथम पुजारी के रूप में 9 दिनों तक योग साधना पर बैठ जाता है। इन 9 दिनों तक वो केवल दुग्धहार और फलाहार का सेवन करता है और इस प्रकार से देवी दंतेश्वरी से दशहरा निर्विघ्न संपन्न कराने की कामना करता है। रियासत काल से ही हलवा जाति का जोगी इस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। अब आता है नवरात्रि का दूसरा दिन अर्थात अश्विन शुक्ल द्वितीया का दिन। अश्विन शुक्ल द्वितीया से लेकर लगातार 6 दिनों तक अर्थात अश्विन शुक्ल सप्तमी तक फूलों से सुसज्जित 4 पहिए वाले फूल रथ का परिचालन किया जाता है। इस रथ को प्रतिदिन जगदलपुर में एक निश्चित मार्ग पर खींचा जाता है। इस रथ में देवी दंतेश्वरी के छत्र को पुजारी के द्वारा आरूण किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और फिर उनको सलामी दी जाती है। फूल रथ की रस्सी को सियारी नामक वृक्ष के छाल से करंजी, केसरपाल और सोनाबाल ग्राम के लोगों के द्वारा बनाया जाता है और फूल रथ की रस्सी को प्रतिदिन अलग अलग ग्राम के लोगों के द्वारा खींचा जाता है। इस कार्य को बस्तर तहसील के 32 और टोकापाल तहसील के 4 ग्राम के लोग करते हैं। इस दौरान उनमें अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। नृत्य गान, बैंड बाजे तथा मोहरी की गूंज चारों तरफ गूंजती रहती है और शाम होने के बाद प्रतिदिन रथ सिंह द्वार के सामने आकर रुक जाती है और दंतेश्वरी देवी के छत्र को वापस मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार लगातार 6 दिनों तक रथ का परिचालन किया जाता है और अश्विन शुक्ल सप्तमी को बेल पूजा का विधान भी किया जाता है। अश्विन शुक्ल अष्टमी और नवमी को रथ का परिचालन नहीं किया जाता है। अब आता है अष्टमी का दिन। इस दिन आधी रात को दंतेश्वरी मंदिर में देवी दंतेश्वरी की पूजा आराधना कर उसकी डोली को एक शोभा यात्रा निकाल कर निशा यात्रा मंदिर में ले जाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में खामेश्वरी देवी का वास होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ देवी दंतेश्वरी और देवी मणिकेश्वरी का भी वास होता है। इस मंदिर में इनकी पूजा आराधना कर बकरों की बलि दी जाती है और इसे प्रसाद के रूप में प्रतिष्ठित लोगों के घर में पहुँचाया जाता है। अब आता है नवरात्रि का 9वां दिन।
इस दिन जोगी उठाई और मावली परघाव का रस्म किया जाता है। इस दिन शाम को सिरहासार भवन में लगातार 9 दिनों तक योग साधना में बैठे हुए जोगी को व्रत के पूर्ण होने पर उठाया जाता है और उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। जोगी उठकर अपने देवी देवताओं को आभार प्रकट करता है और पर्व के निर्विघ्न संपन्न होने पर उनकी पूजा आराधना करके मावली मंदिर में जाकर खांडा को पुनः स्थापित करने के बाद अपने व्रत को तोड़ता है। इसी दिन रात्रि में आमंत्रण पाके देवी मावली दंतेश्वरी देवी के डोली पर बैठकर और दंतेश्वरी देवी का छत्र, ये दोनों बस्तर के दशहरा में शामिल होने के लिए दंतेवाड़ा से जगदलपुर आते हैं। इसी रस्म को मावली परघाव कहा जाता है। चाहे दंतेवाड़ा में इनकी विदाई हो या फिर जगदलपुर में इनका परघाव हो, ये दोनों ही दृश्य बहुत ही भव्य होता है और देखते ही बनता है। इसके लिए एक विशाल जुलूस निकाला जाता है और इसमें शामिल होने के लिए राज्य के अन्य देवी देवता भी यहाँ पहुँचते हैं। इस अवसर पर यहाँ के लोगों के द्वारा जंगली भैंसे के सिंह को अपने सर पर लगाकर गौर नृत्य किया जाता है और इस प्रकार से जगदलपुर में देवी मावली को परघाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित किया जाता है। विजयादशमी और एकादशी के दिन भीतर रैनी और बाहर रैनी का रस्म किया जाता है। इस अवसर पर 8 पहिए वाले विजय रथ का परिचालन किया जाता है। विजयादशमी के दिन भीतर रैनी के रथ को पूर्व निर्धारित मार्ग पर खींचा जाता है और रात्रि में यह सिंह द्वार के समक्ष आकर रुक जाता है। इसी दिन देर रात्रि को किलेपाल क्षेत्र के लोगों के द्वारा इस रथ को चोरी कर लिया जाता है और नगर से 3 किलोमीटर दूर कुम्हड़ा कोट क्षेत्र में लाकर रख दिया जाता है। अब आता है एकादशी का दिन। इस दिन बाहर रैनी का रस्म किया जाता है। इस अवसर पर राज परिवार और बस्तर की जनता अपने देवी देवताओं को साथ में लेकर कुम्हड़ा कोट पहुँचती है। वहाँ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है और खलिहान से आए अन्न को उपयोग करने से पहले अपने कुल देवी देवता को अर्पित किया जाता है। इस अवसर पर राजा अपनी जनता के साथ मिलकर नवाखाई का पर्व मनाता है और दंतेश्वरी देवी से वापस चलने के लिए अनुरोध करता है और उसके बाद किलेपाल क्षेत्र के माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा इस 8 पहिए वाले झूलेदार विजय रथ को कुम्हड़ा कोट से ले जाकर थाने की ओर से सदर रोड होते हुए सिंह द्वार के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब बस्तर के दशहरे के समापन की घड़ी आ चुकी है। अश्विन शुक्ल द्वादश के दिन काछिन यात्रा और मुरिया दरबार का रस्म किया जाता है। इस अवसर पर देवी काछिन की पूजा अर्चना की जाती है, उनसे कृतज्ञता प्रकट किया जाता है और उनकी विदाई की जाती है। उसके बाद शाम को 5 बजे सिरहासार भवन में जन समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के लिए और उसके समाधान के लिए मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। सबसे पहली बार मुरिया दरबार का आयोजन ब्रिटिश काल में 1876 ईस्वी को मुरिया विद्रोह के फलस्वरूप वहां की जनता के असंतोष को दूर करने के लिए किया गया था और तब से लेकर आज तक मुरिया दरबार का आयोजन बस्तर के दशहरे के पर्व के अवसर पर किया जाता है, जिसके तहत यहां के जन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अश्विन शुक्ल तेरस को कुटुम्ब यात्रा का रस्म किया जाता है। इस अवसर पर बस्तर के दशहरे में शामिल हुए सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उन्हें भेंट स्वरूप नए कपड़े और चंदन अर्पित किए जाते हैं और उनकी विदाई की जाती है। उसके बाद अश्विन शुक्ल के 14वें दिन देवी दंतेश्वरी के छत्र की और देवी मावली की डोली की विदाई की जाती है। बस्तर के दशहरे के अंतिम रस्म के रूप में इनकी विदाई पूजा की जाती है और उसके बाद विशाल शोभा यात्रा निकाल कर इन्हें विदा किया जाता है। इस प्रकार 75 दिनों तक चलने वाला यह पर्व हमें न केवल बस्तर के समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है बल्कि वहाँ प्रत्येक समुदाय के महत्व को और उनकी एकता का प्रतिनिधित्व भी करता है। बस्तर के दशहरे को इस तरीके से पढ़कर आपको कैसा लगा? आपके और भी कोई सुझाव आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ के और भी लोक पर्वों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर शनिवार रात 8 बजे।
धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।